डिप्रेशन ठीक क्यों नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारी दवाइयां खाई, मंदिरों में गए, चढ़ावा चढ़ाया, पूजा अर्चना की, लेकिन डिप्रेशन है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं। अर्जुन का डिप्रेशन भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता बताई, लेकिन अर्जुन ना समझी पर उतर आया। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अगर जन्म लेता है तब भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं समझा। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति या मानसिक व्याधियों से पीड़ित व्यक्ति पक्का अर्जुन होता है। वो समझकर भी ना समझने की तरफ अग्रसर होता रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में समझा कर ही छोड़ने वाले हैं। इसके लिए वो एक नया सिद्धांत बता रहे हैं। इसके लिए आपको आगे के श्लोकों को ध्यान से सुनना है। 35वां, 36वां और 37वां श्लोक बेहद खास श्लोक है कि हम क्यों डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्यों हम आत्मा के अमर सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं। इतने अमर सिद्धांत को बताने के बाद भी डिप्रेशन आज मानवता में इस कदर बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण गीता के 35वें, 36वें और 37वें श्लोक में बता रहे हैं। 35वें और 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही से आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा हमारे शरीर में वास करती है, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में माना गया है। अगर वास करती है तो आत्मा जब वास कर ही रही है तो फिर क्यों बीमारी से डरना, क्यों अपनों की मृत्यु से डरना, क्यों डिप्रेशन से घबराना। लेकिन हमने ये सुना ही हुआ है कि आत्मा अमर है, लेकिन हमने जाना नहीं है। हमारे व्यवहार में अमरता वाली कोई बात नहीं है। आप जब दूसरों के घर जाते हैं, जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, आप जाते हैं ना, बैठने जाते हैं, क्योंकि समाज का नियम है कि भाई तुम आज उनके जाओगे तो वो कल तुम्हारे आएंगे। क्योंकि मेरे पापा भी अक्सर कहा करते हैं कि मैं कभी किसी के शोक समारोह में जाता नहीं हूँ या बहुत कम जाता हूँ। तो मेरे पिताजी कहते हैं मुझे कि अरे राजेंद्र, तू जाता ही नहीं है, अगर अपने घर में मृत्यु होगी तो वो नहीं आएंगे। मैंने कहा, भाई हम क्या ये उधार का सिस्टम बनाने के लिए जा रहे हैं कि आज हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम कल हमारे घर में आना, ऐसा नहीं है। ये सोचकर जाना मूर्खता है। जाने के पीछे या शोक समारोह रखने के पीछे या रिश्तेदार 14 दिन तक बैठते हैं, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल सत्य है, मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसे यूं समझे, हमारे विद्वानों ने ये 14 दिन का जो कंसेप्ट रखा, ये बहुत मनोवैज्ञानिक महत्व वाला है। DSM-5 में भी कहा गया है कि 14 दिन के बाद अगर किसी का मूड नीचे रहे या खराब मनोदशा में रहे या उदासी में रहे तो उसे डिप्रेशन हो जाता है। इसी कारण से हमारे विद्वानों ने 14 दिन का या 12 दिन का ये शोक रखा है, क्योंकि किसी के घर मृत्यु होगी, वो परिवार वाले अकेले पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे तो वो उसके बारे में सोचेंगे और वैसे ही उदास बैठे रहेंगे। अब सामाजिक सिस्टम है, अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, 12 दिन या 14 दिन उनके घर में रौनक लगाए रखते हैं, बहुत सारे इंसान उनके आसपास होते हैं, परिवारजनों के पास, तो उनको भूलना आसान हो जाता है, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, मानसिक व्याधि से पीड़ित नहीं होते हैं। इसीलिए ये 12 दिन का शोक समारोह बहुत मायने रखता है। लेकिन हम इसकी असलियत तो जानते नहीं है, और जाते इसलिए हैं कि वो हमारे आ जाए, तो ये सही बात नहीं है। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई कोई है जो आत्मा के रहस्य को जानता है। अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए तब उसको बड़ा लंबा चौड़ा भाषण भी दे करके आते हैं, अरे भाई टेंशन मत लियो,
मरने वाला तो चला गया, अब तुम खुश रहना क्योंकि आत्मा तो अमर है। लेकिन जब उनके खुद के घर में मृत्यु हो जाती है तो रोने लग जाते हैं। लेकिन जो आत्मा की अमरता का सिद्धांत बताने वाला व्यक्ति, दूसरों को शिक्षा देने वाला व्यक्ति खुद परेशान हो सकता है, ये तो सोचनीय विषय है। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान दूसरों के लिए है, ज्ञान सिर्फ बांटने के लिए है, अपने लिए नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लोग सुनते तो हैं आत्मा के बारे में, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। गीता हजारों करोड़ों अरबों लोगों ने पढ़ी, लेकिन आत्मा की अमरता कितने जान पाए, मुट्ठी भर। तो इसका मतलब क्या है कि हम पढ़ते हैं सिर्फ फल की इच्छा के लिए है, लालसा के लिए है, अनुभव के लिए हम पढ़ते ही नहीं हैं। क्योंकि अर्जुन भी सुन रहा है, लेकिन बदलाव अर्जुन में भी आ नहीं रहा है। हे अर्जुन, इस आत्मा के सब शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण तू शोक मत कर। अर्जुन का मुख्य डर यही था कि इनका वध हो जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा तो अवध्य है, इसके बारे में तू जो सोच रहा है कि वध हो जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है, और करना क्या है, युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन है कि इस आत्मा के अमरता के सिद्धांत को सुनकर भी अनसुना कर रहा है। हम भी ऐसी ही भूलें करते हैं जिंदगी में, सुनते सब कुछ हैं लेकिन व्यवहार में कुछ आता नहीं है। लेकिन गीता को गहराई से गहन अध्ययन करने के बाद, जीवन में अपना लेने के बाद, आप इन टेम्परेरी दुखों से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसा बहुत से लोगों ने कहा है, अनुभव भी रहा है। आप इस कंसेप्ट को, इस सिद्धांत को कितना समझ पाए, ये तो आपके कमेंट ही बताएंगे। और अधिक वीडियो इस विषय पर मैं आने वाले दिनों में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मानो तो मोज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद ना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मोज है, वरना समस्या तो हर रोज है।